मेरा मजाक आप बनाना छोड़िए, आप लोग मेरा मजाक बनाना छोड़ो। आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं आज मेरी माँ को 4 दिन हो गए और आप लोग जो मेरे साथ बीत रही है आप लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नहीं राखी जी ऐसा कुछ नहीं। जो जो मुझ पर हंस रहे हैं, जो ड्रामा बोल रहे हैं, जो मजाक बोल रहे हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर उनके साथ ये सब होता है तो वो ऐसे ही हंसेंगे। नहीं राखी जी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। राखी जी कौन बोला? नहीं नहीं किसके बारे में बोल आपको? राखी जी आप ऐसा क्यों एलिगेशन लगा रहे कि मीडिया आपका मजाक उड़ा रहे हैं? हम लोग तो आपको हमेशा सपोर्ट ही किए हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं आदिल बोल रहा है कि मुझे सारी मीडिया फोन कर रही है, वो कह रही है कि आप टेंशन मत लो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो भाई आप मुझे बायकॉट करो, मीडिया वालों आप उसका सपोर्ट करो। नहीं, नहीं, राखी जी, हम मेरा दर्द मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जान सकते जब तक कि आपकी बहू बेटियों के साथ नहीं होता, आप समझ रहे हो? क्या कुछ आपको कहना है आदिल के बारे में? मुझे कोई फालतू बातें आप मेरे को मत करो। मेरे साथ बुरा हुआ मैं तुम लोग के सामने आई, समझ रहे हो? राखी आपने नाम नहीं पूछा कौन से मीडिया हाउसेस ने उनको कॉल? बहुत सारे मीडिया ने, वो मेरे को कह रहा है कि सारी मीडिया मुझे काउंटर करने के लिए फोन कर रही है। मैंने बोला अगर तुम सच्चे हो तो जाओ मीडिया में सच बताओ। राखी जी मैंने उसको बताओ, मैंने बोला अगर तुम झूठ बोले इमिडिएटली मैंने सब कुछ वायरल कर दूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलना। हाँ अगर आप माफी मांग लोगे तो हम घर बसा लेंगे हमारा, लेकिन मुझे झूठा ठहराओगे दुनिया के सामने तो मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के मीडिया के पास आई हूँ इसीलिए रिक्वेस्ट करके कि कोई मेरा घर तोड़ना चाहता है तो मेरी मदद करो। इस दुनिया में कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान नहीं होगा कि उसकी माँ को मर के दफना के 4 दिन हो गए और ये अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। क्योंकि मैं कितना रोई होगी जब मेरी माँ हॉस्पिटल, आप लोग को इतना भी नहीं याद है जब मैं हॉस्पिटल में वहाँ से जाते आप लोग वहाँ पे आए थे तो मैं जब रो रही थी तो क्यों रो रही थी? मैंने नहीं बताया कि मेरे पे क्या गुजर रही, मैं आप लोगों को नहीं बताती। आज मेरी माँ का इंतकाल हो गया तभी मैंने आप लोगों को बताई कि क्यों आदिल मेरे शादी के लिए डिनाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। और वो देश की जनता जो है मुझ पर मजाक उड़ा रही है मेरा, मेरा मजाक, मेरा ड्रामा है, मेरा ड्रामा है। किसने कहा ऐसा कि आपका ड्रामा है? राखी जी आपको थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज, थोड़ा 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 दूर हो जाइए। आप बीच में थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग उधर से मत आओ प्लीज, थोड़ा सा ये मेरा अलग घरेलू मामला, आप लोग हट जाओ। राखी जी आपको ऐसा क्यों लगता है और ऐसा ही क्यों लगता है कि सच में काफी सारी मीडिया उनको कॉल कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि डिनाई भी हो सकता है अगर वो स्पेशली मैंने जो आप लोगों के कल पैर पकड़ के बोला था कि मैंने उसको बनाया उसको आप लोग पब्लिसिटी मत दीजिए, तो आप लोगों ने वो भी डाल दिया। वो मेरे पे हंस रहा था कि तुम मजाक बन गई हो एक देश की, तुम पूरी देश तुम पर हंस रही है, हंसो मुझ पर, मैं आज दुखी आ रही हूँ, मुझ पर हंसो। जो मुझ पर हंसता है ना तुम्हारे घर में भी बहू बेटी है, खुदा तुम पर हंसेगा। मेरी आंखें, मेरा फेस दिख नहीं रहा सूजा हुआ, इतना रो के किसके सामने रोऊं मैं, किसके पास न्याय मांगू, किसके पास? आदिल हंसता है मुझ पर, कहता मैं तो हीरो बन गया हूं, तुम जोकर हो। मैं जोकर हूं, खुदा मैं बार बार ईश्वर को परमेश्वर को सामने बीच में लाती हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। राखी मीडिया की तरफ से थोड़ा सा दूर हटे ना प्लीज, थोड़ा और दूर, थोड़ा सा दूर हटिए प्लीज, थोड़ा सा दूर। राखी जी पर आपसे मैं कहना चाहूंगा आप लोग मत आइए मेरे पीछे। दुनिया को लगता है कि मैं मीडिया में क्यों आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि मैं मीडिया के पास नहीं जाऊँ तो क्या मैं कोर्ट में जाके बैठूँ? मैं कोर्ट में छोटी छोटी चीज के लिए? जब मेरी शादी का मैंने वायरल किया मीडिया के पास आई, मीडिया ने न्याय दिलाया, देश ने न्याय दिलाया, आदिल डर के मारे शादी कबूल किया ना? नहीं किया, नहीं किया उसने। वो लड़की ना
वो लड़की का कल मैसेज भी आया वीडियो कॉल, आदिल इनकार कर रहा है तुम्हारे से शादी। वो लड़की कह रही है कि आदिल मुझे कह रहा है कि तुम उसकी बीवी ही नहीं हो। मैंने कहा पूरे देश को जाके पूछो निकाह किया कोर्ट मैरिज किया है। वो मुस्लिम समाज को जो निकाह किया उसको ठुकरा नहीं सकता आदिल, आप कोर्ट मैरिज किया उसको ठुकरा नहीं सकते आदिल। राखी जी आज भी एक सुबह एक वीडियो आया था जिसपे काफी लोग ने कहा कि आप दुखी दिख रहे बट कार में वो खुश दिख रहे, हैप्पी दिख रहे, हंस रहे थे वो, उसको लेके आपकी क्या राय है? आज सुबह का ही जो एक वीडियो मैंने देखा वो तो बहुत हंस रहा है, कह रहे कि पूरी दुनिया तुम्हें थू-थू कर रही है, मैं दुनिया का हीरो हूँ, तुम्हें दुनिया जोकर कह रही है, पहले पति का ड्रामा लेकर आई थी दूसरे पति का ड्रामा लेकर आ रही है। माँ मर गई वो भी ड्रामा है क्या? वो भी ड्रामा है। माँ मेरी हॉस्पिटल में थी इसलिए ये बात मैं बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, खामोश रही मैं। कहते दुनिया तुम पर हंस रही, जाके कमेंट देखो। कल रात को वो मेरे साथ सो रहे थे ना, तब उन्होंने कहा, कह रही कि तुम अगर मीडिया में मेरा सब कुछ उस लड़की के साथ वायरल कर दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं वायरल करूंगी, मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं नहीं वायरल करूंगी। मैंने मीडिया के द्वारा सिर्फ उस लड़की को एक वार्निंग दी है, लेकिन वो लड़की मुझे कल फ़ोन करके कहती है कि मैं मीडिया से किसी से नहीं डरती, मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती, और आदिल तुमको डाइवोर्स देकर रहेगा। वो डंके की चोट पर कहती है, 100% वो मेरा प्यार है। मैंने उसे कहा जो अपनी बीवी का लॉयल नहीं तेरा रहेगा। कहता तुम्हें उसे रखना नहीं आया। मुझे रखना नहीं आया? मैसूर से वो 1 रुपया लेके मुंबई आया था, घर बोलो गाड़ी बोलो पैसे बोलो जितने पैसे मैं आपको सब दिखा दूंगी, दुबई में घर बोलो, बॉलीवुड में नाम बोलो, घर घर में आदिल खान दुरानी का नाम पहुंचाना बोलो। किसने पहुंचाया? क्या वो लड़की ने पहुंचाया? मैं मीडिया वालों से पूछती हूँ किसने पहुंचाया? तो मैंने साथ नहीं दिया अपने पति का, उन्होंने जो बोला वो मैंने मेरे पति का साथ नहीं दिया। 7-8 महीना शादी छुपा के बैठी मैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बोला कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, तुम अभी एक हिंदू बैकग्राउंड से लड़की आई हो, हमारे खानदान में कबूल नहीं करेंगे, मेरी बहन की शादी हो जाने दो, तब हम हमारा निकाह जो है वो सबके सामने लाएंगे। उनकी अम्मी ने बोला, उनकी आंटी ने बोला, उनकी अम्मी और आंटी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए खुदा के समान है। उनकी अम्मी और आंटी, उनके अब्बा, उन्होंने मुझे अज़ बहू अपना लिया, लेकिन आदिल मुझे अपना नहीं रहे हैं। शादीशुदा है वो मेरे साथ, लेकिन वो लड़की के लिए मुझे अपना नहीं रहे हैं। और जी लड़की का नाम क्या? मैं नहीं बता सकते ना लड़की का नाम, 2 मिनट लगता है। आदिल ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे कि अगर मैं वो लड़की का नाम इनके फोटो वोटो सब बता दिया तो। राखी जी मेरा 2 सवाल रहेगा लास्ट। पहला तो आज सुबह के ही वीडियो में मैंने जब देखा तब आदिल ने कहा कि जब आप उनके साथ लंच करते हो डिनर करते हो आप खुश रहते हो बट मीडिया में आके आप दुखी हो जाते, एक पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल रहेगा कि आपने शादी 8 महीने तक छुपाई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप मराठी बिग बॉस भी गए थे, मराठी बिग बॉस के बाद आने के बाद आपने शादी, देखिए हमारे गोल्डन मोमेंट्स भी रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं, तो जब खाने जाएंगे तो क्या इंसान थोड़ी ना रोएगा? जब आप किसी को तकलीफ देंगे, इंसान तब रोएगा ना। जब से मराठी बिग बॉस के बाहर मैं आई हूँ एक दिन भी खामोश नहीं बैठी हूँ रोने के अलावा, जब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है, इनके 7-8 महीने की शादी में मैंने 3 लड़कियों से इनको अलग किया है, वक्त आने पर 3 लड़कियों का नाम फोटो वोटो दे दूंगी। पहले तो मेरे के देश की जनता जिसको मैंने इतना एंटरटेन किया ज़िंदगी में वो मेरा मजाक उड़ा रही है। अल्लाह, अब्बा पिता, खुदा, परमेश्वर,
कभी आपकी बहू बेटी के साथ जो मेरे साथ हुआ ना, ऐसा कभी ना करें। अगर ऐसा हो तो आप उन पे भी हंसना जितना आप मेरे पे हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे सच्चाई को, मेरे दुख को ड्रामा बता रहे हो। मतलब आप मेरे को प्रवोक कर रहे हो कि मैं वीडियो सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, इसीलिए कि वो वक्त नहीं आया है। लेकिन कल लड़की ने प्रूफ कर दिया है, उसने कहा है कि वो आदिल को नहीं छोड़ेगी, और आदिल ने भी बोला है कि मैं एक टाइम पे तुमको छोड़ सकता हूँ लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या शादी है मेरी, तुम लोग के सामने मुझे रोना नहीं है, नहीं रोऊंगी, मेरा मजाक उड़ाते हो सब लोग, नहीं रोना है मुझे तुम लोग के सामने, मेरा मजाक उड़ाते हो।